था कि वी वर डूइंग इट दिस कॉटन, ठीक है ना, कॉटन क्रॉप का कर रहे थे। तो कॉटन में जैसे देखा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉटन, एक तो जो अमेरिकन कॉटन है, देन देसी कॉटन इज देयर। मैंने आपको कॉटन का वो प्लांट्स का जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स थे वो भी दिखाए, क्योंकि ऑन दिस पार्ट ऑफ आवर पंजाब इट इज नॉट ग्रोन, क्योंकि क्लाइमेट सुटेबल नहीं है, ठीक है ना। फार्मर्स आर नॉट कल्टिवेटिंग दिस कॉटन, लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप, जैसे आपने देखा था कि इट हैज़ वेरी इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है ना। तो इसमें जो कॉटन की जो जिनिंग जिनिंग मिल्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि टू एक्सट्रैक्ट दी टू गेट सेपरेटेड दी कॉटन सीड, ठीक है ना। तो उसमें फिर क्योंकि दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि अगर उसको हम वी विल नॉट सेपरेट दी कॉटन सीड फ्रॉम द कॉटन बॉल, सो देन दैट कैनॉट बी यूज फॉर मेकिंग द फाइबर, ठीक है ना। और फिर था कि देन जो जो काले रंग का सीड था वो भी मैंने आई मेड टू शो यू, ठीक है ना, ऑन इंटरनेट, क्योंकि आपको पता हो जिसको बिनोले बोलते हैं, एक्चुअली यस पंजाब में सर, इसको बिनोले बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो ए कैटल फीड, गुड कैटल फीड दैट्स इंक्रीज द मिल्क यील्ड, ठीक है ना। तो आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग इट सॉयल, तो इसका जो खल खली होती है वो भी दैट इज ऑल्सो यूज फॉर टू इट इज बींग गिवन टू दी मिल्च एनिमल्स टू इंक्रीज द मिल्क यील्ड। और अभी ये जो खल है, ये खली जिसको बोलते हो, आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग जो वेस्टेज बचता है, ठीक है ना, जैसे हम मस्टर्ड का है, मस्टर्ड से मस्टर्ड ऑयल यस निकाल लेते हैं, तो पहले तो कोल्हों में निकालते थे, आजकल मशीनें आ गई सर, हैं। वो जो वेस्टेज बदलता है उसके रिसेंट बड़े यूजेस आ गए हैं। एक तो यही है कि कैटल, ये स्वाति ने भी ज्वाइन कर लिया, सज्जन सिंह ने, सॉरी। तो ये दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, ये जो वेस्टेज बच जाता है कि दैट इज आल्सो यूज एज ए बाई प्रोडक्ट। तो ये क्या है कि अभी मैं घर में कई तरह के करता रहता हूँ, सम टाइप ऑफ प्रैक्टिकल्स या कुछ ऐसा। तो मैं आई वेंट टू द मार्केट इन पठानकोट, तो यस मेरे को सर, किसी ने बोला था कि यू यूज इट दिस, ये जो आपकी आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल जो खल बच जाती है, तो दैट इंक्रीज दी मतलब दैट इज यूज एज ए फर्टिलाइजर, उसको मनीोर, दैट इज ऑल्सो यूज एज ए मनीोर। ये जो आप जो खाते हैं ना मिल्च एनिमल्स, अगर हम इसको वी कैन यूज इट एज ए मन्योर आल्सो। सो आई वेंट इन दी मार्केट एट पठानकोट टू गेट इट फ्रॉम एनी शॉप, बट आई कुडंट गेट। तो यहाँ पे एक ग्रेन मार्केट है, वहाँ गया, तो देन दे डायरेक्टेड मी टू सम अदर पर्सन हूज हैविंग यूज डीलिंग विद दिस, ठीक है। तो अल्टीमेटली आई वेंट टू दी सीड शॉप, यहाँ पे एक है सीड शॉप, तो दे मेक मी अवेलेबल दैट, उसमें एक नीम का, जो नीम होती है ना, नीम नीम का भी यस जो तेल एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो वेस्टेज मिलता है, तो वो दोनों का जॉइंट जो दोनों है, दोनों का सॉरी, उसको मिक्स करके वो मेरे को मिल गया। तो आई एम यूजिंग दैट इन माई प्लांट्स। मैं आपको समटाइम्स आई विल शो ऑल माई क्रॉप्स विच आई हैव ग्रोन, ये अभी जो विंटर वेजिटेबल्स हैं सर, ये ये, ममून हाँ में मिलता है। ममून में भी, हाँ ममून में वो मेकल ऑन दी रोड ही है। यस सर, वो भी शिफ्ट हो गई है शो 15 वाली साइड, वहां पे मिलता है ये। अच्छा, हाँ वो एक बार जब मैं इसमें जाता था ना बस में, तो मैंने देखा था। तो ये क्या है कि दिस इज ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट मेन्योर, तो ये मैं दिस इज ऑल्सो यूज फॉर कंट्रोल द इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स का भी कंट्रोल करते हैं। इसलिए मैं मतलब इसमें देखता रहता हूँ कि व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर अवेलेबल और हेलो इसका क्या जो है। हेलो सर, हाँ बोलिए बोलिए। वो पार्किंग कॉल आई थी, उसे शो नहीं हो रहा लिंक। वो बोल रहे थे कि आप ज्वाइन करो उसको। अच्छा, वो फिर मेरे को अभी इसमें करना पड़ेगा, मैं उसमें से निकल गया हूँ, चलो कोई नहीं उसका तो। हाँ
तो ये था कि ये जो कॉटन है ना, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. ये हमारी जो इकोनॉमी है दैट डिपेंड्स अपॉन कॉटन. ये आपको, यू आर नॉट फेमिलियर विद इट. मैं जैसे आई वॉज इन MP, ठीक है ना, MP में था, मध्य प्रदेश में. तो वहाँ पे जैसे मैंने आपको लिखाया भी है कि कॉटन गुजरात, महाराष्ट्र, फिर देन कर्नाटका, इस साइड में जो महाराष्ट्र में MP में बहुत होती है, ठीक है ना. तो देख, खरीफ क्रॉप है वहाँ पे, ये राइस वगैरह नहीं होता. तो वो दे मतलब दे आर मेनली डिपेंडेंट ऑन दिस कॉटन क्रॉप. कॉटन क्रॉप जो मार्केट में आती है, तो लॉट ऑफ मतलब परचेजिंग इज देयर. फार्मर जो है उसके पास पैसा आता है, तो देन ही मतलब परचेज लॉट ऑफ मटेरियल्स, मतलब कंज्यूमेबल गुड्स फ्रॉम दी मार्केट. तो मार्केट से जब वो उसके पास पैसा आएगा, तो मार्केट में बड़ी रौनक आ जाती है, ठीक है ना. मार्केट में फ्लो आ जाता है, तो मतलब जो इसका मनी का मनी सप्लाई होती है, मनी सप्लाई होती है, उसकी जो कंजम्पशन पावर है फार्मर की वो बढ़ जाती है. तो अल्टीमेटली वहाँ पे जो इकोनॉमी है दैट डिपेंड्स ऑन दी कॉटन. अलग अलग एरिए का अलग, हमारे यहाँ पे राइस और वीट आती है, वीट क्रॉप आती है. तो तभी आपने देखा कि मैं वीट आपको पुराना, अगर थोड़ा सा, क्योंकि मैं बीच में जनरल भी आपको बता जनरल भी बताता रहता हूँ कि जैसे हमारे वीट क्रॉप आती है, तो जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, जब फार्मर्स हार्वेस्टिंग करते थे, उनके पास दे गेट दिस प्रोड्यूस टू द मार्केट और वहाँ से पैसा आता था, तो देन दे अरेंज दी मैरिजेस. और मैरिजेस आपको देखा कि अप्रैल मई में होती थी, मई जून में पहले, क्योंकि पैसा आता था. तो अल्टीमेटली दैट जो मनी है दैट वाज यूज फॉर दिस रिचुअल सेरेमनीज, मैरिजेस, ठीक है ना, रिलीजियस फंक्शंस. तो ये इससे क्या होता है, इकोनॉमी बूस्ट होती है, ठीक है ना. तो अभी आपने देखा भी है कि यू मस्ट हैव नोटिस दैट कि हमारी जो इकोनॉमी है बड़ी नीचे गई है. आपको पता है ना कि वी बिल्कुल आर ऑन द नेगेटिव. हमारी जो GDP है नेगेटिव है, -33 है. लेकिन जो हमारी एग्रीकल्चर की है दैट वाज +3.4. तो मतलब एग्रीकल्चर को कोई सेटबैक नहीं हुआ. अल्टीमेटली एग्रीकल्चर इज कंट्रीब्यूटिंग इवन देन इन दिस कोरोना वायरस, ठीक है ना. आपका जो वीट क्या था कि वीट की यील्ड जो थी, वो मतलब वीट की हार्वेस्टिंग टाइम पे हुई, वीट की प्रोडक्शन राइट टाइम पे मार्केट में गई, और फार्मर्स को पैसा भी अल्टीमेटली मिला, गवर्नमेंट ने इमीडिएटली दिया. तो तभी आपकी जो मार्केट है वो बूस्ट अप हुई, नहीं तो बहुत और ज़्यादा बड़ा डल हो जाना था सिस्टम. तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी बहुत नीचे है, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ बहुत नीचे है, अभी आपने देखा होगा. तो गवर्नमेंट इज डूइंग इज बेस्ट टू गेट द इकोनॉमी बूस्टेड, लेकिन इसके लिए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर. आपके देखा है कि जो सर्विस सर्विस में आ जाते हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इनकी भी बड़ी अभी प्रॉब्लम आ रही है. हिमाचल को खोल दिया है, बट होटल्स अभी चल नहीं रहे, क्योंकि जो स्किल्ड पर्सन्स थे, जो स्किल्ड लोग थे, वो चले गए, क्योंकि 6-7 महीने कोई वेट नहीं कर सकता. और जो ये जो ऑनर्स थे रेस्टोरेंट के, होटल्स के, वो भी 7-8 महीने कैसे, हाउ दे कैन पे टू देयर लेबरर्स व्हेन दे आर नॉट अर्निंग. तो इससे क्या हुआ कि अल्टीमेटली कोल तो गए हैं मनाली में. कल मैं पढ़ रहा सुन रहा था उनका सबका, कि दोज रेस्टोरेंट हैव बीन ओपनड एंड दिस टूरिस्ट हैव स्टार्टिंग गोइंग टू द मनाली. अभी स्नोफॉल स्टार्ट हुआ है, बट इवन देन दैट मतलब जो उनकी वहाँ पे होटल इंडस्ट्री है वो उतना पिकअप नहीं कर पा रही. तो ये दिस इज बस जनरलाइज मैं जो आपको बता रहा था कि कॉटन की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है. तभी हम क्या था कि वी वर डिस्कसिंग दिस कॉटन, कॉटन का हम डिस्कस कर रहे थे. हमने डी लिंटिंग कॉटन का, जो मैंने बोला था कि उसके ऊपर जो फस होती है, FUZZ फस, जो ऊपर लुई होती है, छोटे छोटे कॉटन का वो रहता है ऊपर, कॉटन मूव करने के बाद भी, तो उसको ईसर के साथ डी लिंटिंग करना पड़ता है उसको. ये आ जाता है कई बार, फस भी वर्ड आ जाता है, डी लिंटिंग भी आ जाता है. तो ये हमने डीलिंटिंग किया था, देन वही डन दिस जो था सीड ट्रीटमेंट, वो भी किया था. तो यस सीड सर, ट्रीटमेंट के बाद में हमने सोइंग टाइम, आई थिंक सोइंग टाइम वी हैड टच्ड कि व्हाट इज द सोइंग टाइम.
So now we will do this method of sowing. कि इसको जो कॉटन है how do we grow it, क्योंकि ये नेचुरली इसकी जो अमेरिकन कॉटन है इसकी बुशेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, इसके पत्ते भी बहुत चौड़े होते हैं as compared to देसी कॉटन. तो इसकी जो मतलब रो टू रो विड्थ है नेचुरली दैट विल बी मच मोर देन दी अदर क्रॉप्स. इट इज़ अबाउट 67 सेंटीमीटर. तो ये थोड़ा सा आप ऐसी जो क्रॉप ज्योमेट्री है ना, यू कैन इफ यू नो द मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर ऑफ द कॉटन तो देन यू कैन कम टू नो कि व्हाट विल बी द क्रॉप ज्योमेट्री ऑफ दिस प्लांट. क्योंकि कोई जरूरी जरूरी नहीं है कि आपको रट्टा ही लगाना है कि इसका कितना है. अगर आपने प्लांट्स देखे तो नेचुरली यू कैन जज कि हाउ मच विल बी द रो टू रो डिस्टेंस एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस. ठीक है ना. तो ये है नाउ वी विल डू मतलब वी विल कवर दीज रिमेनिंग एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस. तो अभी यू राइट डाउन कि व्हाट इज इट्स मेथड ऑफ सोइंग. Just a minute. तो इसका आप लिख लो इट्स स्पेसिंग सोइंग. सीड ट्रीटमेंट कर लिया था. सोइंग एंड स्पेसिंग सो इन लाइंस. कॉटन इज टू बी सोन इन लाइंस 67 सेंटीमीटर अपार्ट. सर हेडिंग क्या देनी है इसमें? सोइंग SOWING सोइंग एंड स्पेसिंग. ओके सर. सोइंग एंड स्पेसिंग सो इन लाइंस 67 सेंटीमीटर अपार्ट. Soil lines with 67 cm apart with a cotton sowing drill or cotton. So with the cotton sowing a cotton sowing drill DRI drill or cotton planter or cotton planter. The plants of varieties. The plants of varieties within rows to be kept 60 centimeter apart during thinning. The plants of the varieties within rows be kept 60 centimeter apart during thinning, whereas for PAU BT, whereas PAU BT 1 plants within rows be kept 45 centimeter apart. Sir, PAU BT plants? BT 1 plants within rows be kept plants? Within rows. Be kept 40 centimeter apart. However, for hybrids, both BT and non-BT. However, for hybrids, कौन-कौन-सी? Both BT and non-BT. The plant to plant distance should be kept at. So hybrid both BT and non-BT. The plant to plant distance should be kept
75 सेंटीमीटर. प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी जो है इसका 75 सेंटीमीटर है. देन नेक्स्ट इज सोइंग ऑफ. आप ये लिखो फिर मैं आपको बताता हूं. सोइंग ऑफ रेफ्यूजिया, REFUGIA, ये वर्ड आ सकता है कभी. सोइंग ऑफ REFUGIA रेफ्यूजिया, तो इसका क्या मतलब है आप लिख लो फिर मैं बताता हूं. टू अवॉइड द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, टू अवॉइड द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन बॉल वॉर्म, टू अवॉइड द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन बॉल वॉर्म टू बीटी कॉटन. सो विच वॉर्म? टू अवॉइड द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन बॉल वॉर्म टू बीटी कॉटन. बीटी कॉटन को बॉल वॉर्म में पिन मतलब ना लगे, ठीक है ना, क्योंकि वैसे तो बीटी कॉटन को जो है बॉल वॉर्म नहीं है, दैट इज रेजिस्टेंस टू दिस बॉल वॉर्म. टू अवॉइड द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन बॉल वॉर्म टू बीटी कॉटन, 20% एरिया शुड बी सोन अंडर. 20% एरिया शुड बी सोन अंडर नॉन बीटी कॉटन हाइब्रिड्स. 20% एरिया शुड बी ग्रोन अंडर नॉन बीटी कॉटन हाइब्रिड्स अराउंड बीटी कॉटन. मैं जो बीटी कॉटन है उसके अराउंड नॉन बीटी कॉटन भी करना है कि उसकी जो रेजिस्टेंस है जो बीटी कॉटन की अगेंस्ट बॉल वॉर्म वो खत्म ना हो जाए. ये उसका इसको कहते हैं रफिज, ये रफिजिया. नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग. नेचुरली इंटरक्रॉपिंग विल बी देयर क्योंकि यहाँ प्लांट टू प्लांट और क्रॉप टू क्रॉप डिस्टेंस इज मच मोर देन अदर क्रॉप, तो इसमें इंटरक्रॉपिंग करते हैं. इंटरक्रॉप वन रो ऑफ मेज, इंटरक्रॉप वन रो ऑफ मेज और काउपी फॉर फॉडर. इंटरक्रॉप वन रो मेज और काउपी फॉर फॉडर इन कॉटन. कॉटन सोन एट रो स्पेसिंग ऑफ, इन कॉटन सोन एट रो स्पेसिंग ऑफ 67.5 सेंटीमीटर, 67.5 सेंटीमीटर फॉर गेटिंग हायर इनकम. फॉर गेटिंग हायर इनकम एज कंपेयर टू सोल कॉटन. सोल मतलब अकेली कॉटन, एज कंपेयर टू सोल कॉटन. तो नेक्स्ट इज ये रिज सोइंग, RIDG. रिज इज जैसे आप इसके रिजेस बनाते हैं आप पोटैटो लगाने के लिए, तो ऐसे भी इसको कॉटन को लगाया जाता है. दैट इज रिज, RIDGE, रिज सोइंग. सोइंग ऑफ कॉटन ऑन रिजेस, सोइंग ऑफ कॉटन ऑन रिजेस प्रिपेयर्ड विद कॉटन प्लांटर. With cotton planter and irrigating the crop in furrows. And irrigating the crop in furrows. मतलब furrows जो बीच में जो space रह जाता है रिज बनाने के बाद उसको furrow बोलते हैं ना, और फिर उसमें irrigate करते हैं furrows को. To save considerable amount of water. To save considerable amount of water. अगर हम रिजेस ना बनाए टोटल फ्लैट लैंड में, अगर जैसे हम ट्रेडिशन मेथड से करते हैं तो उसमें वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत होती है. तो द क्रॉप इन फरोज सेव्स कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर विदाउट रिडक्शन इन सीड कॉटन यील्ड. विदाउट रिडक्शन इन सीड कॉटन यील्ड. The next is the weed control. Isme how to
टू कंट्रोल वीड. तो वीड का जब व्हेनेवर देयर वी टॉक अबाउट वीड कंट्रोल, तो वीड कंट्रोल में ऑल मेथड्स आर कवर्ड, जैसे मैनुअल है, देन कल्चरल है, केमिकल्स. तो ये सब वीड, अगर आपको आवे समटाइम्स द क्वेश्चन कम्स इन योर फाइनल एग्जाम इन पर्टिकुलर क्रॉप, राइट डाउन द वीड कंट्रोल ऑफ मेज. तो आपको जो अगर तीनों ही मेथड यू हैव टू राइट डाउन, अकेला केमिकल कंट्रोल ही वीड कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना. ये कई बार दिस इज द मिसकंसेप्शन इन आवर माइंड, ये मिसकंसेप्शन रहती है कि हम एक ही केमिकल कंट्रोल को ही मान के चलते हैं कि ओनली द केमिकल कंट्रोल, जबकि इसको अभी नाउ द गवर्नमेंट इज पेइंग सो मच स्ट्रेस ऑन इट कि वी शुड नॉट गो फॉर द केमिकल्स. तो कहना हो द क्रॉप, HOWE, हो द क्रॉप टू और थ्री टाइम्स, हो द क्रॉप टू टू थ्री टाइम्स. द फर्स्ट होइंग शुड बी डन बिफोर फर्स्ट इरीगेशन. द फर्स्ट होइंग शुड बी डन बिफोर फर्स्ट इरीगेशन. डन बी बिफोर द फर्स्ट, नहीं, हो द क्रॉप टू और थ्री टाइम्स. द फर्स्ट होइंग शुड बी डन बिफोर फर्स्ट इरीगेशन. So next is use tractor mounted cultivator. इसके आगे use tractor mounted cultivator, जो cultivator है वो tractor के ऊपर लगाओ. Use tractor mounted cultivator. और ये अलग अलग, these are the different implements for hoeing. Tractor mounted cultivator. ट्रैक्टर ऑपरेटेड रोटरी वीडर, ट्रैक्टर ऑपरेटेड रोटरी वीडर, दीज आर द डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स फॉर कंट्रोलिंग दिस वीड्स. ट्रैक्टर ऑपरेटेड रोटरी, ROTARY, रोटरी जो रोटेट से, रोटरी व्हील. देन त्रिफाली, TRIHPLAY, त्रिफाली, तीन उसके आगे बने होते हैं नीचे, त्रिफाली. और व्हील हैंड हो, व्हील हैंड हो, व्हील हैंड हो, ये आपको अगर हम देखा होगा आपने, ये दोजी राम की जो नर्सरी है वहाँ पे है व्हील हैंड हो. इसका मैंने प्रैक्टिकल जो है ना, अगर आप यूट्यूब पे देखो तो मेरा ये एक, वहाँ जो मैंने तभी कॉलेज में प्रैक्टिकल करवाता हूँ था, उसमें मैंने ये डाला हुआ है व्हील हैंड हो के बारे में बताया काफ़ी उसके में. आप कई बार मेरे जो ये यूट्यूब पे है ना वीडियोस, दो तो, एक तो अभी मैंने चैनल जो बनाया, ये सारे आपके जितने भी मैं ये साथ में ही अपलोड कर देता हूँ वहाँ यूट्यूब पे, जितने भी ये लेक्चर्स होते हैं, ठीक है ना. और दूसरा एक मेरा वो ग्रीन करके है, एक मेरा रेड करके VB चैनल है, उसमें 16 के करीब ऑलरेडी वीडियोस हैं, वो वहाँ के हैं जो मेरे तभी कॉलेज के, वो भी उसमें देखना. मैंने वो काफ़ी उसमें प्रैक्टिकल्स जो है ना, जैसे शुगर केन प्लांटिंग का है, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स का है, कई जो उसमें मैंने वो वहाँ के डाले हुए हैं. तो आप उसमें ये सिंगल व्हील हैंड हो के इम्प्लीमेंट्स के बारे में मैंने काफ़ी उसमें दिखाया हुआ है, ठीक है ना. हमने वहाँ पे लिया था, वी हैड परचेस्ड दोस दैट सिंगल व्हील हैंड हो, तो उसके बारे में था. तो आप वहाँ से भी आप देख लिया करो मेरे जो कुछ प्रैक्टिकल्स हैं ना, सिंगल व्हील हैंड हो फॉर वीडिंग. Their use after fruiting should be avoided. Their use after fruiting should be avoided. जब उसकी fruiting आ जाती है तो then we should not use these implements. So for control of weeds, कौन कौन से इसमें weeds हैं? For controlling weeds, particularly इट सेट ये वीड्स के नाम है, पर्टिकुलर इट सेट मदाना, MADHANA मदाना. देन मकड़ा, MAKRA मकरा. तो इसके कंट्रोल के लिए वी हैव टू यूज द केमिकल, अप्लाई 1 लीटर पर एकड़ स्टॉम्प, अप्लाई
वन लीटर पर एकड़ स्टॉम्प. ये स्टॉम्प जो है इसको आप कभी भी यू कैन यूज दिस मतलब केमिकल. अगर आपको कोई केमिकल यूज नहीं रहता कि विच केमिकल इज टू बी यूज फॉर कंट्रोल द वीड्स, तो आप स्टॉम्प का नाम जरूर डाल करो. इट्स वेरी इजी. 1 लीटर पर एकड़ स्टॉम्प 30 EC एज पर एज. तो ये कौन सा वीडिसाइड है? एज प्री इमरजेंस. दिस इज नॉट द पोस्ट इमरजेंस, मतलब सीड का जर्मिनेट करने से पहले है. एज प्री इमरजेंस विद इन 24 आवर्स ऑफ सोइंग. विद इन 24 आवर्स ऑफ सोइंग. तो इन सिचुएशंस वेयर, इन सिचुएशन वेयर वीड्स इमर्ज आफ्टर फर्स्ट इरीगेशन, इन सिचुएशन वेयर वीड्स इमर्ज आफ्टर फर्स्ट इरीगेशन, तो स्टॉम्प 30 EC कैन ऑल्सो बी अप्लाइड एज, स्टॉम्प 30 EC कैन ऑल्सो बी अप्लाइज एज post emergence. It can also be used as post emergence after first irrigation in 200 liters of water. In 200 liters of water. So next is the fertilizer application. Next is fertilizer application. So जैसा कि it is always recommended कि जो आपको fertilizer apply करना, that should be applied on the basis of the soil test. तो आप इसमें पहले ही लिख लो, apply fertilizer on soil test basis. ठीक है ना, on soil test basis. तो फर्टिलाइजर रिकमेंडेड फॉर मीडियम फर्टिलिटी सॉइल्स. फर्टिलाइजर रिकमेंडेड फॉर अप्लाई फर्टिलाइजर ऑन सॉइल टेस्ट बेसिस, मींस कि यू हैव टू अप्लाई द फर्टिलाइजर ऑन द बेसिस ऑफ द योर सॉइल एनालिसिस. ठीक है ना, सॉइल एनालिसिस जो सॉइल लेबोरेटरी में एनालिसिस करके कि हाउ मच डेफिशिएंट दिस सॉइल इन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इज देयर, तो आपको ये करना है. देन यू हैव टू अप्लाई द फर्टिलाइजर. द फर्टिलाइजर रिकमेंडेड फॉर मीडियम फर्टिलिटी सॉइल्स आर एज अंडर. मीडियम फर्टिलिटी सॉइल्स आर एज अंडर. उसमें आप लिख लो न्यूट्रिएंट केजी पर एकड़. जैसे हम जनरली वी टॉक दिस डोज ऑफ नाइट्रो, डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स केजी पर एकड़. जैसे फर्स्ट इज द नॉन बीटी वैरायटी. नॉन बीटी वैरायटी, नॉन बीटी वैरायटीज में नाइट्रोजन कितनी डालनी, हाउ मच नाइट्रोजन टू बी अप्लाई, दैट इज 30 kg पर एकड़. एंड P2O5 12 kg. तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन केस ऑफ द डोज ऑफ फर्टिलाइजर, तो जो 30 kg नाइट्रोजन है वो हमें यूरिया से मिलेगी. तो देन यूरिया विल बी यूज एज 65 kg. यूरिया विल बी यूज एज 65 kg. और जो हमें P2O5 है, दैट वी विल गेट फ्रॉम डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP, दैट इज 27 kg. और नेक्स्ट इज बीटी वैरायटी. ये था नॉन बीटी. देन बीटी वैरायटी के लिए बीटी वैरायटी PAU BT1. अब इसकी जो बीटी वैरायटी, इसका नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, दैट इज 37 kg पर एकड़. और P2O5 इज द सेम, दैट इज 12 kg. तो इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट्स, it will come to 80 kg urea and 27 same DAP.
दीज न्यूट्रेंट्स, ये इसको कह रहा है कि दीज न्यूट्रेंट्स कैन आल्सो बी सप्लाइड फ्रॉम दी, दीज न्यूट्रेंट्स कैन आल्सो बी सप्लाइड फ्रॉम दी अदर फर्टिलाइजर्स अवेलेबल इन द मार्केट. तो नेक्स्ट इज ये जो मैंने कहा था कि दिस इज यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सॉइल टेस्ट. एंड नेक्स्ट इज जो मैंने आपको वहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जो PAU ने लीफ कलर चार्ट निकाला हुआ है वो, दैट इज आल्सो विद अस, ठीक है ना. वो हमारे पास भी, मैं उस टाइम लेके आया था, तो मैं पता नहीं आपको मैंने दिखाया कि नहीं दिखाया, ये सब दिखाया था. हाँ दिखाया हुआ है आपको. तो PAU लीफ कलर चार्ट, तो द PAU लीफ कलर चार्ट फॉर नीड बेस्ड यूरिया फर्टिलाइजर, आप वो इसका हेडिंग लिख लो. ये आ जाता है कई बार PAU, ये PAU LCC डाल देते हैं वो, PAU LCC वर्ड करके. तो PAU LCC मैं फुल फॉर्म जो इसका आ जाएगा, PAU लीफ कलर चार्ट फॉर नीड बेस्ड यूरिया एप्लीकेशन, फॉर नीड बेस्ड यूरिया एप्लीकेशन मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द लीव्स. तो हमें हाउ मच यूरिया, वेदर इट इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, तो ये हमें दिस इंडिकेट्स दी एज ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द लीव. तो इसमें आप एक आधी लाइन लिख लो, मैच लीव कलर ग्रीननेस, मैच कलर, मैच लीव कलर, सॉरी मैच लीव कलर ग्रीननेस, ग्रीननेस उसका जो हरापन है, लीव कलर ग्रीननेस ऑफ द टॉप मोस्ट फुली डेवलप्ड, ऑफ द टॉप मोस्ट फुली डेवलप्ड इंटैक्ट लीव, टॉप मोस्ट फुली डेवलप्ड इंटैक्ट लीव फ्रॉम द रैंडमली सिलेक्टेड, फ्रॉम द रैंडमली सिलेक्टेड 10 कॉटन प्लांट्स. मतलब हमें जो पत्ता है वो कौन सा उसका कंपेयर करना है, मैच लीव कलर ग्रीन ऑफ द टॉप मोस्ट फुली डेवलप, जो ऊपर के हैं पत्ते जो डेवलप हुए हुए हैं, ठीक है ना, नीचे के पत्ते नहीं, जो ऊपर नए पत्ते आए हैं उसको फुली डेवलप इंटैक्ट लीव फ्रॉम द रेंडमली सिलेक्टेड 10, मतलब 10 आपने रेंडमली सिलेक्ट कर लेने हैं प्लांट्स, उसके पत्ते लेके. तो यू हैव टू कंपेयर विद द PAU लीफ, PAU LCC under shade of your body, under shade of your body, मतलब अपनी बॉडी के शेप में, उधर जैसे अगर आप सूरज की तरफ देख रहे हैं तो सूरज की तरफ अपनी पीठ करके, under shade of your body at thinning and initiating of flowering, at thinning and initiating of फ्लावरिंग. तो मतलब ये स्टेज है, ये स्टेज बताइए कि कौन सी, एट इनिशिएटिंग थिनिंग एंड इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग, अप्लाई यूरिया बेस्ड ऑन लीफ ग्रेन, अप्लाई यूरिया बेस्ड ऑन लीफ ग्रीननेस ऑफ leaf greenness of 6 or more leaves out of 10 leaves falling table, table में आप लिख लो falling table, कैसे आप, how you will apply, मतलब कैसे आप उसको recognize करोगे और फिर apply करोगे. तो first जो आप लिखो जैसे leaf color as per PAU leaf color chart, लीफ कलर ऐसे ऊपर लिख लो, लीफ कलर एज पर PAU लीफ कलर चार्ट. अब उसमें अलग अलग वो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो अगर जो शेड है, अगर शेड मोर देन LCC शेड 4.5, अगर उस शेड की, उसकी जो शेड का जो मतलब ये जो पैरामीटर दिया है ना 4.5, मोर देन LCC शेड 4.5, तो आपको कुछ नहीं यूज करना, यू हैव नॉट टू अप्लाई दी यूरिया. मतलब है कि उसका जो ग्रीन कलर ऑलरेडी ज़्यादा होगा लीफ का,
ठीक है ना, 4.5 भी जो है बहुत मोर देन है ना, मोर देन 4.5। अगर मोर देन 4.5 है तो देन इट मींस कि सफिशियंट नाइट्रोजन कंटेंट इज देयर इन दी सॉयल जहाँ उसके जो प्लांट है। तो अगर उसका एलसीसी शेड इज 4.5, अगर अकेला ही 4.5 है तो देन हाउ मच यूरिया यू हैव टू यूज, 20 kg। ठीक है ना, आ रहा ना समझ? उसका अगर शेड हाँ 4.5 है तो देन 20 kg यूरिया आपको यूज करना है। अगर एलसीसी शेड अकेला ही 4 है, एलसीसी शेड अकेला ही 4 है तो देन 35 kg, मतलब बढ़ गया ना। दिस इज मोर, इट मींस कि मोर डेफिशिएंट नाइट्रोजन इज देयर, तो 35 kg। और अगर एलसीसी शेड 3.5 आर बिलो, अगर एलसीसी शेड इज 3.5 आर बिलो तो देन यू हैव टू यूज यूरिया 50 kg। ठीक है ना, तो ये था, दिस वाज एक्चुअली आई रिक्वायर्ड, आगे भी मेरी क्लास है तो मैंने कहा कि आई शुड यूटिलाइज द टाइम जो था ना, ये बीच में था आपका, क्योंकि मेरे ख्याल आपका पहला पीरियड लगा नहीं लगता है ना, फर्स्ट पीरियड भी आपका लगा सर, मेघा मैम का था। अच्छा लगा था, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो देन आई हैव टेकन योर दिस एक्स्ट्रा क्लास है ना, थैंक्स फॉर द योर स्पेयरिंग टाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट कल जो है हमारा वो रेगुलर क्लास है तो वी विल कवर सम पॉइंट्स देयर ना, तो मैं आपकी अटेंडेंस इसमें तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। चलो तो आई एम फिनिशिंग हियर, आगे भी मेरी क्लास आएगी। थैंक यू वेरी मच।